Children, in today's class, we shall start with question number 2, sixth part from exercise 12.2. Okay, till fifth part we had done in the last class. So let us begin. We have to add these expressions. Okay, the question was add. So let us add these expressions. So first expression is 5m minus 7n. Okay. Next expression is 3m minus 4n m plus 2. तो 3n कहाँ लिखेंगे? n वाले के नीचे यहाँ पे. साइन क्या आएगा? प्लस, क्योंकि यहाँ पीछे कुछ नहीं है, मतलब प्लस. देन है माइनस 4m, यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस 4m. प्लस 2 अलग से लिखेंगे क्योंकि इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं आएंगे. नेक्स्ट है 2m, तो ये m के नीचे आएगा. ठीक है, माइनस 3mn. अब mn का कोई सेक्शन नहीं है तो ये बिल्कुल अलग से जाएगा, माइनस 3mn. ठीक है, अब ये है माइनस 5, तो ये इसके नीचे आएगा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं. बैलेंस कैसे करेंगे हम? यहाँ पे लिख दो 0 और यहाँ पे लिख दो 0mn. ठीक, इधर पे आप लिख दो फिर से 0mn. ठीक, यहाँ पे लिख दो 0n. अब ये बैलेंस हो गया, मतलब m का पूरा हो गया, n का हो गया, ये वाला हो गया, ये mn वाला हो गया. ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो. 0 के साथ मतलब 0 इंटू mn हो गया या 0 इंटू n, ये सब 0 ही हैं. ठीक है, नाउ यू स्टार्ट सॉल्विंग इट. आप सॉल्व करो, ये mn का सेक्शन है, आपने mn लिखा. 0 प्लस 0 0, 0 माइनस 3 माइनस 3. ठीक है, अब 0 प्लस 2 2 एंड 2 माइनस 7 प्लस 2 और 2 प्लस 2 और माइनस 5 कितना हुआ? माइनस 3. बिकॉज देखो ये ऑपोजिट साइंस है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, बड़ा नंबर 5, साइन माइनस, तो ये माइनस 3 हो गया. ठीक है, अब ये n का सेक्शन, तो n लिख दिया यहाँ पे. अब ये देखो माइनस 7 और प्लस 3, इसमें ऑपोजिट साइन से सब्ट्रैक्ट करो. 7 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 4 आया, बड़ा नंबर 7, साइन माइनस, तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस 4. ठीक, अब ये m का सेक्शन है तो m यहाँ लिख दिया. अब 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 2 3, तो ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, अब ये नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इसमें देखो ये है एक्स स्क्वायर वाई और ये है एक्स वाई स्क्वायर, और ये क्या है, ये एक एक सिंगल सिंगल टर्म्स है, मोनोमियल है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टली ही सॉल्व कर लेते हैं. हम इसको लिख लेते हैं 4x² y प्लस माइनस 3xy², फिर प्लस माइनस 5xy² प्लस 5x² y. ठीक है, अब हम लाइक टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं, x² y और एक वाले टर्म्स दिखते हैं कौन से हैं. x² वाला y एक ये है और x² y एक ये है, तो हम इसको साथ साथ लिख लेते हैं, 4x² y और प्लस 5x² y. ठीक है, अब ये देखो ये xy² है, ये भी xy² है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 3xy² प्लस माइनस 5xy². ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं इसको. x² y है, आ गया x² y, और 4 प्लस 5 हो गया 9, ये जो हमने पहले करे थे फर्स्ट क्वेश्चन में. x² y हो गया और 4 प्लस 5 हो गया 9. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला, यहाँ पे प्लस, इसको लिखा हमने माइनस 3xy² माइनस 5xy², तो ये xy² आ गया नीचे, और ये माइनस 3 और माइनस 5 मिलके क्या हो गया? माइनस 8. तो यहाँ पे हो गया माइनस 8xy². तो फाइनली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 9x² y माइनस 8xy². ठीक है, ये हो गया हमारा सेवेंथ पार्ट. अब हम आते हैं एट पार्ट पर. ये देखो एट पार्ट, अब हम ऐड करते हैं इन एक्सप्रेशंस को. ये दी हुई हैं, तो हम पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन ये लिख लेते हैं, 3p²
क्यू स्क्वायर माइनस 4 PQ प्लस 5, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, खाली एक अकेली है ये, माइनस 10 P² Q², तो हम ये P² Q² का ये है, तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस 10 P² Q², ठीक है। अब ये थर्ड एक्सप्रेशन है, इसको लिखते हैं, ये 15, तो ये यहाँ 5 के नीचे आएगा 15, फिर है प्लस 9 PQ, तो ये यहाँ आ जाएगा प्लस 9 PQ, PQ के नीचे PQ, और यहाँ साइन क्या आएगा, प्लस आएगा क्योंकि 15 के पीछे कुछ नहीं था। और नेक्स्ट है 7 P² Q², तो ये यहाँ पे आ जाएगा 7 P² Q². ऑल राइट, अब हम इसे बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 PQ, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 + 0 5 + 15 मिला के कितना हुआ, 20, ठीक है। अब ये देखो ये PQ का सेक्शन है, तो हमने यहाँ लिख दिया PQ। अब -4 + 0 कितना हुआ, -4, और -4 + 9 कितना हुआ, +5। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 9 + 0 9, और 9 - 4 5, ठीक है। अब ये आ गया P² Q² का सेक्शन, आपने यहाँ लिख दिया P² Q². अब आप ये देखो 3 और 7 मिला के हो गया 10, और 10 - 10 क्या हुआ, 0, तो आप यहाँ लिख दोगे 0 P² Q², तो ये हो गया आपका आंसर। अब 0 P² Q² की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, ये तो 0 ही होता है, तो फाइनल आप आंसर आपका क्या हुआ, इसका आंसर हुआ 5 PQ + 20, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें है ये तीन एक्सप्रेशन, इनको ऐड करना है। पहले हम इसको लिखते हैं AB - 4A, ठीक है। अब इसको लिखना है ये 4B - AB, तो 4B का सेक्शन तो यहाँ कहीं है नहीं, तो 4B हम अलग से बनाएंगे, और माइनस ए बी मतलब ये इधर AB के नीचे AB आ गया। अब नेक्स्ट है 4A - 4B, तो 4A इसके नीचे आ जाएगा, 4A - 4B ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे बैलेंस करना है, अब यहाँ नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, 0B, ठीक है। इधर लिख देंगे हम 0A, और यहाँ भी प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 0AB, यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ खाली AB है तो यहाँ 1 लगा देंगे, यहाँ भी खाली AB है तो यहाँ 1 लगा देंगे, और कहीं और सब जगह ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, ये B का सेक्शन है, B आ गया यहाँ पे, 0 + 4 4 4 - 4 0, प्लस का साइन। अब ये A है, ठीक है, -4 + 0 - -4, और -4 + 4 0, आप ऐसे भी देख सकते हो 4 + 0 4, और 4 - 4 0, ठीक है। अब ये आ गया AB का सेक्शन, AB लिखा है यहाँ पे, 1 - 1 0, 0 + 0 0, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, 0AB 0A + 0B, तो तुम्हारा क्या है यहाँ पे आंसर, आंसर इज 0, ठीक है। सो दिस इज द 9th पार्ट। नाउ कमिंग टू द 10th पार्ट, इन द 10th पार्ट यू हैव दीज 3 एक्सप्रेशंस, राइट। आप पहली एक्सप्रेशन लिख लो, x² - y² - 1। अब दूसरी में देखो क्या है, -y² - 1 - x² है, तो y² के नीचे y² लिखो, कुछ साइन नहीं है तो यहाँ पे लिखो प्लस, फिर लिखो -1, और यहाँ लिखो -x². अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 1 - x² - y², तो 1 के नीचे हमने 1 लिखा, कुछ साइन नहीं है तो प्लस लगा दिया, -x² मतलब यहाँ पे -x² लिखा, -y² मतलब यहाँ पे हमने -y² लिखा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, उसी तरह यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक। अब आप इसे सॉल्व करो, -1 - 1 कितना हो गया, -2 - 2 + 1 - -1। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1
वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस वन माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ देखो ये वाई स्क्वायर का सेक्शन है, तो आपने वाई स्क्वायर लिख लिया, माइनस वन प्लस वन इज जीरो, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर का सेक्शन है, तो यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया, वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, ठीक है। तो आपका बेसिकली आंसर क्या हुआ, माइनस वन एक्स स्क्वायर की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस वन वाई स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वन, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर टू। इन द नेक्स्ट क्लास वी शुड स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर थ्री।